हेलो, माई सेल्फ उमेश गुप्ता फ्रॉम बीडी पब्लिक स्कूल बबैल बुजुर्ग सहारनपुर। इट इज़ क्लास सिक्स साइंस चैप्टर टू। टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। व्हाट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड? सर्टेन सब्सटेंसेस दैट परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, दीज आर एज फॉलोइंग। नंबर वन कार्बोहाइड्रेट, नंबर टू प्रोटीन्स, नंबर थ्री फैट्स, नंबर फोर विटामिन्स, नंबर फाइव मिनरल्स। देयर आर फाइव कंपोनेंट्स ऑफ फूड। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और हमें स्टार्च और शुगर की फॉर्म में एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इनके फंक्शंस क्या हैं, काम क्या हैं? दे प्रोवाइड एनर्जी, दे स्पेयर प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस। नंबर थ्री, डाइट्री फाइबर इंक्रीजेज द स्टूल बल्क एंड हेल्प इन डिफेकेशन। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? सीरियल्स, होल व्हीट, होल ग्रेन्स आर कॉल्ड सीरियल्स। एग्जाम्पल व्हीट, राइस, मेज, बाजरा एक्स्ट्रा। एंड रूट्स एंड ट्यूबर्स, पोटैटोज, बीटरूट, स्वीट पोटैटोज एक्स्ट्रा। एंड शुगर, गुड़, मिल्क, फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। दीज आर आइटम्स आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, द मेन थिंग, इफ देयर इज शॉर्ट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी देन प्रोटीन्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी। यदि कार्बोहाइड्रेट कम मिलेंगे हमें तो प्रोटीन्स से एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। Does the बॉडी बिल्डिंग फंक्शन suffers? और प्रोटीन्स एनर्जी देने में काम आ जाएंगे और बॉडी बिल्डिंग यानी शरीर की संरचना में दिक्कत पड़ेगी। सो कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी कंज्यूम्ड इन प्रॉपर अमाउंट। तो सही तरह से कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए अपने फूड में। इफ़ द कार्बोहाइड्रेट्स आर कंज्यूम्ड इन एक्सेस, यदि ये ज़्यादा ले लिया जाए, दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। ये हमारे शरीर में फैट्स या मोटापे के रूप में जमा हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज आर प्रोटीन्स? दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सम आल्सो कॉन्टेन्स सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयरन। These are made up of small units called amino acids. ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। कुछ प्रोटीन्स में सल्फर, फॉस्फोरस और आयरन भी होता है। इन ये छोटी यूनिट के बने होते हैं जिन्हें एमिनो एसिड्स कहते हैं। प्रोटीन्स में एमिनो एसिड होते हैं। What are functions of proteins? They help in the growth. ये हमारे शरीर की बढ़त में काम आते हैं। दे आर नीडेड फॉर रिपेयर और मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू सेल्स। ये हमारी कोशिकाओं को, सेल्स को रिपेयर करने के लिए या नए मैन्युफैक्चर के लिए बनाने के लिए काम आते हैं, आवश्यकता होती है। दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को जमाने में कहीं हमारे इंजरी हो जाए, वाउंड हो जाए तो ब्लड जमाने में काम आती है। दे आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, एंजाइम, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज एक्स्ट्रा। ये हीमोग्लोबिन, एंजाइम, हॉर्मोन्स और एंटीबॉडी
एक्स्ट्रा को बनाने में भी काम आते हैं. सो दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं. सोर्सेज, देयर आर टू काइंड ऑफ प्रोटीन्स. प्लांट प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, पीज, पल्सेज. दालों में सबसे ज़्यादा होता है, दाल हमारा मेन सोर्स है. नंबर टू, एनिमल प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, चीज़, कर्ड एक्स्ट्रा. एनिमल प्रोटीन दूध, पनीर, दही आदि में मिलता है. चिल्ड्रन नीडेड मोर प्रोटीन एज कम्पेयर टू एडल्ट, क्योंकि बच्चों को अपनी ग्रोथ करनी होती है, तो बच्चों के लिए बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है. ओके, थैंक यू.